नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, यही सुशासन का उद्देश्य है। शासन की योजनाओं का लाभ गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सही समय पर बिना किसी परेशानी के मिल सके, यही सुशासन है। शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपने दायित्वों को निभाते हुए अगर कर्तव्य पथ पर चले तो हर कार्यालय एवं जगह पर सुशासन स्थापित किया जा सकता है। सुशासन दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में आयोजित कार्यक्रम में उक्त बातें कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा कही गई हैं। इस दौरान कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अधिकारी समाधान करने वाले बने। उनके कार्यालय में जो हितग्राही या व्यक्ति आता है उसके मन पर कार्यालय की ऐसी छाप छोड़ी जाए जो कि वह व्यक्ति बाहर जाकर कहे कि संबंधित कार्यालय में जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनकी कार्य करने की शैली ऐसी है कि हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से हो जाता है। चोरी कैसे हुई है, आपको क्या जानकारी मिली? आपने रात में बीती रात में कुछ अज्ञात लोगों ने हमारा ATM उखाड़ लिया, सीसीटीवी भी बर्बाद कर डिस्ट्रॉय कर दिया है। ग्रामीण वासियों से पता चला, फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं, थाना को भी पता दिया गया, थाना भी अपना काम कर दिया। लगभग कितने उसमें कैश होंगे सर? कैश कितने होंगे लगभग? अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लगभग 6 लाख रुपये के आसपास है जी। क्या सुना हुआ सर आपका? शानू कुमार। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।